रेडियो चन पर देसी ते देश दुनिया दिया खबरें लगे गगन दी फाजिल है। सब तो पहला नजर मारते हैं आज दिया मुख्य खबरें ते। ऑस्ट्रेलियाई खगोल विज्ञानियों ने 10 मिलियन तारियां दा कीता निरीक्षण। तेज हवावां दे कारण मैनीटोबा दे विच बंद रही 32 सैकड़े लोगों नूं सहनी पई परेशानी। दिल्ली मैट्रो की ब्लू और पिंक लाइन से सेवा बुधवार तो होगी बहाल। ड्रग मामले च रिया चक्रवर्ती 14 दिनों की न्यायिक हिरासत च। पंजाब दे विच कोरोना वायरस के कारण मंगलवार को 60 लोगों की हुई मौत। 1964 नवे मामले आए सामने। बठिंडा जिले दे विच कोरोना वायरस के कारण 2 होर मौतें। 131 नवे पॉजिटिव मामले आए सामने। हुण खबरां विस्थार नाल। ऑस्ट्रेलिया नाल संबंधित सिडनी तो आई इस खबर के अनुसार मनुख ब्रह्मांड दे विच इकले नहीं हन। यह साबित करन दी ताज़ा कोशिश दे विच ऑस्ट्रेलियाई खगोल विज्ञानियों ने विदेशी सभ्यतावां द्वारा छड़े जा रहे किसी संभावित संकेतों के लिए एक विशेष तौर पर तैयार की गई दूरबीन के नाल 10 मिलियन तारियां नूं स्कैन किया है। इस बेमिसाल कोशिश के बावजूद वह कोई भी निशान ट्रेस करने विच असमर्थ रहे ने। मंगलवार को प्रकाशित की गई खोज ने पछमी ऑस्ट्रेलियाई राज्य दे विच मॉर्चिशन वाइल्डफील्ड एरे दूरबीन की वरतों की, जो लखां तारियां नूं इको समय दे विच वेख सकता है ते उसका निरीक्षण कर सकता है। यह वेला तारा मंडल नूं निशाना बनाउंदा है जिस दे विच घट्टो घट 10 मिलियन तारे शामिल हुंदे ने। खगोल विज्ञानी जो लभन की आस कर रहे सन वह टैक्नो सिग्नेचर सी, एक बारंबारता ते एक रेडियो निकास इलैक्ट्रॉनिक यंत्र जिवें कि मोबाइल फोन टीवी FM रेडियो द्वारा कढ़िया जाता सी। मैनीटोबा तो आई खबर के अनुसार एतवार को चलिया तेज हवावां के कारण सैकड़े घर की बत्ती गुल रही है। व्यापारक अदारे मुश्किलों का सामना करना पिया है। 5379 हाइड्रो ग्राहकों ने सोमवार सवेरे 11 बजे तक बिजली विभाग की मदद करने के लिए फोन किए। लेक विनीपैग के खेत्र के बधेरे घर व्यापारक अदारे मुश्किलों का सामना करना पिया। कैनेडा के वातावरण विभाग के मुताबिक 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल चलिया हवावां के कारण बिजली दियां तारां टुट गई इन्हां नूं ठीक करन दे विच काफ़ी समा लग रहा है। अधिकारियों ने दस्सिया कि कई दरख्तों दियां टाहणियां तारां दे विच फस गई जिन्हां दे कारण बत्ती गुल हो रही है। खराब मौसम, बिजली चमकण अते दरख्तों दियां टाहणियां डिगण के कारण मैनीटोबा दे विच एक तिहाई खेत्र बुरी तरह प्रभावित होया है। अधिकारियों के मुताबिक एतवार शाम 8 बजे तक 16,000 ग्राहक बिना बत्ती दे रह रहे सन। विक्टोरिया बीच, ओक पॉइंट, विनीपैग इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ग्रीन लेक, अल्टोना और फली खेत्र दे विच बहुत तेज हवावां दे कारण नुकसान होया है। भारत नाल संबंधित नवी दिल्ली तो आई इस खबर के अनुसार दिल्ली मैट्रो की ब्लू और पिंक लाइन से सेवा बुधवार तो बहाल होगी, जो कि कोविड-19 के कारण 171 दिनों के लिए बंद रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। दिल्ली मैट्रो ने संचालन के समय के कटौती और कोविड-19 सुरक्षा उपरालों के नाल सोमवार को येलो लाइन से सेवा बहाल की सी। महामारी के कारण 22 मार्च तो दिल्ली NCR दे विच मैट्रो सेवा रोक दी गई सी। अधिकारियों ने कहा है कि रैपिड मैट्रो येलो लाइन से सोमवार को संयुक्त रूप दे नाल करीब 15,500 लोगों ने यात्रा की थी। दिल्ली मैट्रो रेल निगम ने एक बयान दे विच कहा है कि मैट्रो सेवा की बहाली के पहले पड़ाव के अनुसार दिल्ली मैट्रो 171 दिनों के लिए बुधवार तो अपनी ब्लू लाइन द्वारका तो सैक्टर 21 इलैक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली और पिंक लाइन मजलिस पार्क तो लैके शिव विहार तक सेवा शुरू करेगी। इस दे मुताबिक इन दोहां लाइनां ते सेवावां सवेरे 7 बजे तो लैके 11 बजे तक ते शाम 4 बजे तो लैके 8 बजे तक उपलब्ध रहणगियां। भारत नाल संबंधित मुंबई तो आई इस खबर के अनुसार ड्रग मामले दे विच स्थानक कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती नूं 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता है। रिया चक्रवर्ती नूं 22 सितंबर तक जेल दे विच रहना होवेगा। इस तो पहला रिया दे वकील ने कोर्ट दे विच अग्रिम जमानत की अर्जी भी दर्ज की सी, जिस नूं कोर्ट ने पहला ही खारिज कर दिता है। NCPC ने मंगलवार को रिया को कोर्ट के सामने पेश किया और न्यायिक हिरासत की मांग की थी। करीब 2.5 घंटे चली सुनवाई तो बाद कोर्ट ने रिया की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के विच उसनु भेज दिता। दस दिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदाकार रिया चक्रवर्ती नु उन्हां दे लिव इन पार्टनर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले दे विच नशीले पदार्थों के नाल जुड़े दोषों के सिलसिले दे विच 3 दिनों तक पुछगिछ करने तों बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। NCB के डिप्टी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा ने दस्सिया कि रिया नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने गिरफ्तार करन दे तुरंत बाद मेडिकल जांच और कोविड-19 जांच दे लई हस्पताल दे विच ले जाया गया है। पंजाब नाल संबंधित लुधियाना तो आई इस खबर के अनुसार पंजाब दे विच कोरोना वायरस दे नाल मंगलवार को 60 लोगों की मौत हो गई है, जदों कि 1964 नवे पॉजिटिव मामले सामने आए ने। हुण तक राज्य दे विच 67,547 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके ने, जदों कि इन्हां दे विचों 1,990 मरीजां दी मौत हो चुकी है। राज दे नोडल ऑफिसर राजेश भास्कर ने दस्सिया कि वख-वख जिल्यां दे विच 633 मरीज ऑक्सीजन ते ने, जदों कि 87 मरीज वेंटीलेटर ते ने।
ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 67 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 11, ਬਰਨਾਲਾ 1, ਬਠਿੰਡਾ 7, ਫਰੀਦਕੋਟ 3, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 1, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 3, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 2, ਜਲੰਧਰ 4, ਕਪੂਰਥਲਾ 2, ਲੁਧਿਆਣਾ 13, ਮਾਨਸਾ 1, ਮੋਗਾ 4, SAS ਨਗਰ 1, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 2, ਪਟਿਆਲਾ 8, ਰੂਪਨਗਰ 1 ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 3 ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 131 ਨਵੇਂ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ 1 ਨਰਸ ਅਤੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 64 ਸਾਲਾ ਲੰਬੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ MS ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ।